एक बहुत ही लाजवाब सब्जी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बड़ी की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी तो आपने नाम सुना ही होगा, तो आज उसको मैं इस तरीके से सिंपल बनाऊंगी तो कि चुटकियों में वो सब्जी बन जाएगी। तो चलिए उसके लिए देखते हैं हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि हम लोग बड़ी की सब्जी बना रहे हैं, तो बड़ी की सब्जी बनाने के लिए हमको बड़ी की तो ज़रूरत है ही, तो इसके लिए हमने उड़द दाल की जो बड़ी होती है ये घर पे बनाई हुई बड़ियाँ है। ये देखिए मेरी मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने और मैंने मिलकर बनाई है, ये देखिए। और उसके लिए मसाले के लिए चाहिए आलू उबले हुए 3, ये हम दोस्तों 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से सामग्री आपको जितने लोगों के लिए बनाना हो आप उस हिसाब से सामान लें। कि उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, पिसा लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और ये सोट है दोस्तों, अदरक अगर आपके घर में नहीं है तो आप सोट डाल सकते हैं, अगर अदरक है तो अदरक डालते हैं आप सोट की जगह पे। और ये दोस्तों घर में बना हुआ गरम मसाला, नमक स्वादानुसार और बनाने के लिए सरसों का तेल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों ने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर को गर्म होने दें। जैसे कि दोस्तों हमने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर गर्म हो जाए तो हम उसमें सरसों का तेल डालेंगे। कुकर में दोस्तों सब्जी बनाने के 2-3 फायदे होते हैं। पहला तो सब्जी जल्दी बन जाती है और उसकी जो सब्जी की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो नष्ट नहीं होती है। कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनाने की उसकी प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाती हैं और वो हमारे शरीर पे लगता भी नहीं है, तो इसलिए कुकर में सब्जी फटाफट बनेगी, गैस भी बचेगा और सब्जी में स्वाद भी आएगा। तो चलिए दोस्तों ये कुकर मेरा गर्म हो गया है, अब हम तेल डालते हैं। तेल दोस्तों आप अपने हिसाब से डालें, जैसे कि मैंने बताया 4 लोगों के लिए हम बना रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ, आपको जितने लोगों के हिसाब से बनाना हो आप अपना तेल वगैरह उसी हिसाब से डालें। अब दोस्तों सबसे पहले हम अपनी बड़ी को तल लेंगे। सो हम अपनी बड़ी को सबसे पहले तल लेते हैं। बड़ी को दोस्तों धीमी आंच पे तले जाए तो वो जल्दी पकती है, एकदम धीमी आंच पे बड़ी को तलना चाहिए, क्योंकि ये उड़द दाल की बड़ी जो है हल्की होती है और इसमें ये बहुत जल्दी पकती है। देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी महक आ रही है। दोस्तों ये भून गई है हमारी बड़ी, अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी भुनी हुई बड़ी, अब हम इसमें और थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे कि हमने बताया ये हम बिल्कुल इजी तरीके से बना रहे हैं बड़ी की सब्जी, जिसको नहीं आती है वो भी बहुत आसानी से बना लेगा। ये दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया था प्याज लहसुन और टमाटर का हम लोग पेस्ट बना लेंगे। देखिए दोस्तों हमने प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना लिया है, अब हम इसको भूनेंगे। मसाला भूने दोस्तों ढककर
के पकाए उससे उसकी महक उसी में रहती है। मिर्ची स्वादानुसार, दोस्तों गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला हम अभी ऐड कर रहे हैं, बाद में थोड़ा सा और डालेंगे। नमक डाल देते हैं दोस्तों, नमक डालने से मसाला जल्दी भून जाता है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें आप लोग। देखिए दोस्तों मसाले का कलर कितना अच्छा आ रहा है। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो ये बड़ी और आलू डाल करके इसमें भूनेंगे। जो उबले हुए आलू है दोस्तों उसको छोटा छोटा पीस में काट लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में आलू को काट लेते हैं। बहुत अच्छी महक आ रही है मसालों की। ये देखिए दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मसाला भून गया है। ये देखिए इतना अच्छा भून गया है मसाला, इसका तेल भी निकल गया है। तो बीच में आलू और बड़ी डाल करके भूनेंगे। एक मिनट तक भूनेंगे हम लोग ताकि इसमें अच्छे से मसाला मिल जाए। ये बहुत ही इजी तरीके की सब्जी है, इसको कोई भी बना सकता है और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग दोस्तों इसे जरूर ट्राई करें। अब हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग एक से दो गिलास पानी ऐड करेंगे क्योंकि बड़ी जो है पानी सोखता है, इसलिए इसमें हम लोग को पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। कम लग रहा है इसलिए थोड़ा आधा गिलास पानी और डाल देंगे। अब इसको तेज आंच करके आप कम से कम 5-6 सीटी आने तक पकाएं। चावल के साथ खाएं।
भी ऐसी लाजवाब रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी सब्जी आपको पसंद आई हो, तो मेरे लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।